ग्रेड मॉर्निंग जी ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार मैं भूपेश आनंद आई एम ए क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट अकाउंटेंट इंडियन अमेरिकन यूरोपियन मैंने बड़ी सारी डिग्री सर्टिफिकेशन्स क्वालिफिकेशन्स को किया हुआ है दोस्तों बट बिफोर दैट मैं एक बात आपसे आज ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपने रियल लाइफ का एक्सपीरियंस जो लास्ट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ईयर्स में मैंने सीखा

उसके बाद अपने आप को देखा उसकी उसकी यू नो नोटिंग्स की अपने आप आ, उसको थॉट प्रोसेस में लेकर आया एंड देन आई रियलाइज वाज मैं अभी भी पहले भी और आगे भी हार्ड वर्किंग तो बहुत था अभी भी हूं लेकिन मैं जब सी ए की पढ़ाई कर रहा था या ए सी सी लंडन का किया या सी एफ के पेपर दिए या इंडियन सीएस के दिए या इंडियन सी एम ए के दिए I, I did so many different different courses, all Indian, all American and all European maximum extent. तो मुझे ऐसा लगा यार हार्डवर्क तो मैं सभी में कर रहा हूँ लेकिन 90% परसेंट केसेस में मैंने ये देखा कि मेरे को रीअटम्प्ट करना पड़ रहा है मतलब दोबारा पेपर देने पड़ते हैं मेरे दोस्त का पेपर अच्छा होता है अच्छा नहीं होता मेरा ज़्यादा अच्छा होता है मैं ज़्यादा हार्डवर्किंग हूँ मुझे ज़्यादा चीजें पता है बट मेरा सक्सेस रेट अपने दोस्तों से कुछ कम है सी ए में आई 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 थिंक मैंने दो अटेम्प्ट दो फालतू दिए सी एस में दिए इवन एसी से लंडन का ये जो डिप्लोमा आई एफ आर एस कोर्स मैंने किया दोस्तों सी एफ एस एल लेवल वन तीन बार फेल हुआ मैं आज का ये वीडियो इसलिए नहीं बताने आया कि मैं फेल हुआ क्या हुआ बट द पॉइंट इज मैंने इन सभी चीज़ों को नोट किया और अपने आप से बातें की आई 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 एनालाइज दोज थिंग्स और लास्ट तीन चार साल में मैंने बड़े सारे डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार्स वर्कशॉप्स अलग अलग गुरुज के पास गया आश्रमों में गया और मैंने कुछ बातों को सीखा और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ में उसको यूज़ किया और अपनी केस स्टडी बनाई तो आज के इस लेक्चर के आज इस छोटे सी बात के थ्रू यू नो मैं आपको वही बात बताने वाला हूं कि मेरे माइंड में क्या रहा अलोंग विद द हार्डवर्क वेदर इट इज इट इज समथिंग अदर देन दैट माइंड वर्क ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल अच्छा एक बात और बतानी है मैंने आप सभी को कि मुझे ऐसा लगा बचपन से ही कि मैं बिकॉज आई वॉज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली तो मुझे ऐसा लगा कि पैसे जो है बड़े स्केर्स हैं क्योंकि उस समय पैसे कम होते थे बिकॉज आई वी आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली तो मुझे ऐसा लगा बस क्वालिफिकेशंस अगर बड़ी सारी आ जाएंगी तो मैं ज़्यादा अमीर या ज़्यादा सक्सेसफुल अचीव हो जाऊँगा तो इसी बात से मैंने सी ए सी ए सी एम ए सी एफ ए सी सी ए और भी ना जाने क्या क्या छोटे छोटे कोर्सेस किए तो आज मैं उसकी का भी यू नो आई वॉन्ट टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर इन रिगार्ड टू दैट ऑल्सो बस आप मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन सब बातों को एनालाइज किया और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं एक मैंने माइंड सीरीज स्टार्ट किया एम थ्री माइंड मनी एंड मैनेजमेंट जो जो मैं आज इंट्रोड्यूस करूंगा एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दोस्तों ये कहानी आपने देखी होगी कहानी किस्मत की लेकिन सच में बताऊं ये कहानी किस्मत की नहीं है आप जो चाहें अचीव कर सकते हैं आप जैसा चाहें वो अचीव कर सकते हैं और इतना ज्यादा हार्डवर्क का जरूरत भी नहीं है जो मैंने हार्डवर्क किया सही बता रहा हूं आपको तो दोस्तों इन सभी बातों के साथ आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आने वाले दस बारह मिनट बड़े इजी बड़े इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू द होल क्रक्स इन दिस यू नो नो डाउट आई हैव जस्ट गिवन अ माय प्रोफाइल मैं मैं आई डिड दिस 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 बट इन सबके पीछे हार्ड वर्क था बट अगर यू नो अलॉन्ग विद दैट हार्ड वर्क आई वॉन्ट टू गिव यू सम मास्टर की ठीक है तो आप चेक करें मेरे पास यू नो आ इंडियन कॉमर्स सरस्वती जी की पूरी कृपा है एंड बिकॉज आई डिड ऑल दैट तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा बेटर आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि सक्सेस अचीव करने के लिए आपके लिए और क्या क्या जरूरत होती है वट आर द अदर स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इवन इफ यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर कोर्स तो आपको लगता है आपको जॉब मिल जाएगी तो बट अलॉन्ग विद डेट जॉब यू शुड हैव सम मोर स्किल्स आजकल का जमाना स्किल्स का आ गया है यू नो

इट मीन्स देयर एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज इट मीन्स यू नो इकोनॉमिक ग्रोथ विल इंक्रीज इट मीन्स डी 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 पी इज ऑल्सो देर इट मीन्स अभी इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इफ यूर अ पार्ट ऑफ दैट स्टॉक इन्वेस्टमेंट दैट आई टेलिंग यू तो मैं आप सीधा ही अपनी बात पर आ रहा हूँ दोस्तों मैंने एक अपने एक्सपीरियंस से आपको अभी अभी बताया आई हैव प्रिपेयर अ वेरी ब्यूटिफुल कोर्स और आई विल आई हैव प्रिपेयर अ वेरी ब्यूटिफुल सीरीज जिसको मैं कहता हूँ एम प्लस एम प्लस एम एम पहला एम है माइंड इफ यू कैन कंट्रोल योर माइंड यू नो देन यू कैन इजिली कंट्रोल मनी एंड देन यू कैन इजिली हैव मैनेजमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है माइंड का आपने मूवीज देखी होगी द सीक्रेट मैंने कम से कम पचास बार देखी है बट उसको फॉलो नहीं किया था इंप्लीमेंट नहीं किया था देखता था अच्छी लगती थी आई हैव अटेंडेड ह्यूज नंबर ऑफ माइंड वर्कशॉप्स बट हार्ड वर्क बड़ा ज्यादा करता था और उसको यूज नहीं करता था तो धीरे धीरे मुझे ये सब लॉजिकली बातें क्लियर हुई तो माइंड मनी मैनेजमेंट एक बड़ी प्यारी सी यू नो आई बट अ वेरी ब्यूटिफुल सीरीज फॉर यू दैट हाउ दिस माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर अ सक्सेसफुल यू नो ह्यूमन बींग तो आइए जी सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं बिकॉज मैं उस सब चीज़ों से गाइड रहा गाइडेड रहा और मुझे काउंसलिंग नहीं मिली तो मुझे लगा यार नहीं अब उठना है अब सबको बताना है वैसे मैं आपको बता दूं, वी आर सेलिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्स ACCA, सी एस सी एम ए यूएसए सी एफ एस ए इंडियन सीएस ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अभी शोजू YouTube यूट्यूब कमेंट सबसे बढ़िया हो रहा है लेकिन द पॉइंट इज मैं ये चाहता हूं कि जो मुझे मिला जो मुझे पता चला जो सीक्रेट मुझे मिली वो मैं सबको बताऊंगा तो शायद सबका बेनिफिट होने वाला है कुछ का तो होगा ही तो मैंने एक बात एक काउंसलिंग सीरीज का कंसेप्ट स्टार्ट किया है जो मैं अभी आपको आज से काउंसलिंग सीरीज अपलोड करूंगा एंड इन काउंसलिंग सीरीज मैं ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों हमारा हम सबका बर्थ हम सबका बर्थ जन्म होता है और हम धीरे 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 इस एंड पॉइंट पे आ जाते हैं जहां पर हम मरने की डेथ हो जाती है एक एक मूवी आई थी ना वो गाना आया था आमिर खान का ऊपर से नीचे तक मरघट तक तेरी कहानी तेरी कहानी आई थिंक मेरे थोड़ा सा आपको याद आ रहा है बेटे 95% मैं तो कहूँगा लोग ऐसे कीड़े मकोड़ों जैसे मर जाते हैं दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स दे आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर डिजायर्स और सबसे बड़ा उनके मन में वो क्या कहते हैं गिल्ट रहता है कि यार हम जो चाहते थे वो कर नहीं पाए हम बातों में आ गए हमने वो हमें वो समझ नहीं आया तो मैं भूपेश आनंद पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँ सो दैट यू कैन अचीव योर डिज़ायर सो दैट यू कैन अचीव योर मैनिफेस्टेशन कैसे संकल्प करते हैं कैसे उन चीज़ों को पाते हैं वो सारी बातों के लिए देखिए मैंने कहा ना स्कूल से हम चलते हैं कॉलेज की तरफ कॉलेज से चलते हैं बिजनेस जॉब की तरफ बिजनेस जॉब से फिर मैरिज फिर बच्चे फिर रिटायरमेंट और लास्ट में डिसीज आकर हम मर जाते हैं बेटे काफी सारी बातें मन में रह जाती हैं और हम जो चाहते थे कि यार क्वालिफिकेशन लेना चाहते थे स्किल्स करना चाहते थे या सक्सेसफुल होना चाहते थे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहते थे या अपना जो भी डिजायर था वो कई बार पूरा नहीं होता मैं कई बार क्या नाइन्टी फाइव परसेंट लोगों का पूरा ही नहीं होता यार ऐसी केस स्टडी बनी हुई है सो so, भूपेश आनंद आज आपको ये कहना चाहता है कि आपकी सक्सेस के पीछे देखिए थ्री एम्स बड़े इंपॉर्टेंट है मैं पहले एम की बात करना स्टार्ट कर रहा हूं आपका You know, आज आपको कुछ सॉन्ग भी दिखाने वाला हूँ आपको कुछ बताऊंगा आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाऊंगा लेकिन अभी के दो तीन मिनट बड़े प्रीशियस हैं यार मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतनी हार्डवर्क किया आपको पता है कि सी ए करने के लिए जब मैं छोटा सा बच्चा था ना तो उस समय यू नो देर आर नो ऑप्शन की भाई ए सी सी भी कर सकते हैं सी एम ए बी सी एफ एस बी देट बी डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं होता था एक ही बात सिखाई गई थी कि सीए सबसे डिफिकल्ट है सीए में बच्चों को पांच सात साल लग जाते हैं सीए में सब फेल होते हैं फिर उसके बाद पास होते हैं सीए कर लिया तो आप अमीर बन सकते हैं ऐसी बातें बचपन से ही मुझे माइंड में मैंने सुननी स्टार्ट कर दी अब तो क्योंकि वो बार बार विचार आ रहे थे बार बार वो उन्हीं को सोचता था जाने अनजाने में मैं छोटा सा था लेकिन धीरे 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 क्योंकि वो विचार वो थॉट्स में बार बार सोच रहा था तो उसका मेरा बिलीफ सिस्टम बन गया क्या बिलीफ सिस्टम बना कि भाई सी ए करेंगे या सी एस करेंगे या सीएम में करेंगे कुछ भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होती टाइम लगता है मेहनत लगती है मेहनत करनी पड़ती है सुबह से लेकर रात तक पढ़ना पड़ता है तो दोस्तों यकीन मानिए वो मेरी थॉट्स मेरा बिलीफ सिस्टम बनी और सीए में मेरे साथ ऐसा ही हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ जब भी पेपर्स अच्छे हुए थे मेरे दोस्त के पेपर अच्छे नहीं होते उसका फर्स्ट में क्लियर हुआ मेरा नहीं हुआ लेकिन उस समय पता ही नहीं था कुछ यार तो धीरे धीरे मैंने दोबारा से मेहनत की कहता ना गधे की मेहनत दोबारा से की मैंने फिर पास हुआ फिर फाइनल में भी ऐसा ही हुआ एक बार फिर फेल हो गया फिर कंपनी सेक्रेटरी एग्जामिनेशन दिया फिर फेल हो गया लेकिन अभी भी मुझे अंदर से एहसास नहीं हो रहा था कि मैं यार सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता हूं सारे क्वेश्चंस ठीक होते हैं पेपर ठीक होता है फिर ऐसा क्या है जो मुझे सक्सेस नहीं दे रहा मतलब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास क्यों नहीं हो रहा सिमिलरलीन आई डिड एसी डिप्लोमा अच्छा मेरे स्टूडेंट्स का हो गया और मेरा नहीं हुआ फर्स्ट अटैम्प्ट में आप मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कितना दर्द होता होगा सी एफ एवल वन किया दोस्तों तीन बार पेपर दिए आता सब कुछ था मैं पढ़ाता था आई है सब कुछ कर दिया था इन सभी घटनाओं के बाद मैंने अपने आप से बातें करनी शुरू की एंड 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 दैट इज सेल्फ टॉक देन आई अटेंडेड सो मेनी डिफरेंट 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 वर्कशॉप्स माइंड और उसके बाद मैंने एनालिसिस किया जो मुझे उन सबसे सीखने को मिला और जो मैंने अपने आप से बात की कि यार ये जो मैं अभी तक मैंने किया इतना हार्ड वर्क किया फिर इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया एक क्लास में, में मेरे पास चार सौ स्टूडेंट्स होते थे दोस्तों फिजिकल ऑफलाइन तो व्हाई आई एम नॉट गेटिंग फर्स्ट टाइम यू नो सक्सेस इन दैट इन दीज एग्जामिनेशन तो मुझे अपनी गलती और अपने चाइल्ड थॉट्स जो मेरा इनर चाइल्ड था जो मैंने बिलीफ सिस्टम बना लिया था कि ऐसा ही होगा मतलब ऐसा नहीं होता तो वो माइंड उसी को करता था बेटे तो मुझे फिर उसके बाद फिर माइंड के ऊपर यू नो स्टडी करना स्टार्ट किया और मुझे पता चला माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस आप जो अंदर से सोचते हैं और जो बार बार सोचते हैं वही आपके विचार बिलीफ में बन जाते हैं और जो आप देखते हैं जो आपके साथ घटित होता है आपको लगता है वही सच है वो हिस्ट्री में जीते हैं उसी के ब्लॉक्स बना लेते हैं और उसके बाद फिर आप पूरी कायनात को यही कमांड देते हैं और वही होना स्टार्ट हो जाता है ये बात मैंने एनालाइज की अपनी के स्टडी से

आज उनके पास वो पैसे है ही नहीं खर्च कर दिए बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मैनेज मैनेज कैसे करें उनको पता ही नहीं है यार तो आज के इस आज मतलब अपनों से अपनी सी बात में लेक्चर क्या कहूं दोस्तों अपनों से अपनी सी बात में आई वॉन्ट टू गिव यू आइडिया दैट वट आर दट आर दट आर द यू नो बेंच मार्क फॉर सक्सेस आई आई थिंक फर्स्ट बेंच मार्क इज माइंड आपको अपने माइंड से क्या सोचना है जो हो गया हो गया मैंने धीरे धीरे फिर मेडिटेशन स्टार्ट किया और बेटे मेडिटेशन तो एक मीना बाजार जैसे है, आपको जो चाहिए मिलेगा जितना चाहिए मिलेगा आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो पूरा होगा आपके अंदर संकल्प शक्ति है आप कंप्लीट कर सकते हैं उसको बिकॉज वी हैव ह्यूज पावर्स सवाल यह है कि अगर आप उस मेथड को समझ लें उस जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है है ना अर्थ प्लान का लॉ ऑफ ग्रेविटी वैसे ही होगा अगर आप उसको समझ लें दैट वट आर द नेचुरल पार्स वट आर द क्वांटम फील्ड वट इज क्वांटम एनर्जी वट आर क्वांटम थॉट एंड हाउ दिस यूनिवर्स इज मूविंग तो दोस्तों हंड्रेड परसेंट यू फ्रीक्वेंसी एंड यू कैन अट्रैक्ट दैट दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन दैट इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन दैट इज लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी आप आपको हासिल कर सकते हैं जो आपको चाहिए बस आपने उस तर, उस टेक्निक उस उस चीज को फॉलो करना है आप यू आर गोइंग फॉर एनी क्वालिफिकेशन आप ए सी से कर रहे हैं सी एम ए से कर रहे हैं इंडियन सी ए कर रहे हैं इंडियन सी एस कर रहे हैं आप कुछ भी नहीं कर रहे इवन दिस 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 इज फॉर आफ्टर ट्वेल्थ आप कुछ भी नहीं कर रहे If you want to go for stock trading, if you want to go for forex trading, if you want to go for Excel, if you कुछ भी इस दुनिया का आप कर रहे हैं आप किसी भी एज में बेटे मैं जो बताने वाला हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है मैंने अपनी लाइफ का ये क्रक्स आपके सामने रखा है मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जो बताऊंगा शायद आप में से काफी सारे बच्चे नहीं भी देखे या देखे लेकिन एक तो देखेगा यार उसको तो फर्क पड़ेगा बस कारवां इसी चल पड़ेगा मैं चला था अकेला अकेला हूं अकेला था अकेला ही रहूंगा धीरे धीरे कारवां बनना स्टार्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस से मैं से करूंगा। तो दोस्तों ये सीरीज की। आप देखिए मैंने एक बड़ी पीपीटी you know, और उसमें उसके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं सीरीज में क्या क्या कराने वाला हूँ टू पार्ट्स बेसिक और एडवांस बेसिक तो आप सबको पता होना चाहिए वट आर द पॉवर्स ऑफ माइंड वट इज लेफ्ट माइंड वट इज राइट माइंड वट इज कॉन्शियस माइंड वट इज सब कॉन्शियस माइंड वट आर थॉट वट इज सोल वट आर सेल्स वट इज डी एन ए न्यूरोस क्या होते हैं क्वांटम फिजिक्स क्या होती है क्वांटम फील्ड क्या होती है एनर्जी क्या होती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है बिलीफ सिस्टम क्या होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है मैनिफेस्टेशन आप देख रहे हैं मैं कैसे बोलता जा रहा हूं बिकॉज ये मेरे मतलब ब्लड के एक एक ड्रॉप में घुस गया यार अगर आप वैसे सोचना स्टार्ट कर देंगे और सोचने के साथ आप वैसा एहसास करेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जो चाहिए आप भी अज्यूम करेंगे बींग आपको मिल गया है और आप कितने खुश हो जैसे ए सी सी ए के लिए सीएम के लिए के के लिए CA के लिए, लिए स्टॉक मतलब इफ यू आर अ स्टॉक ट्रेडर इफ यू आर अ फॉरेक्स ट्रेडर देन यू विल बिलीव यू यू विल विल अज्यूम दैट कि वो मेरे को इतने डॉलर्स का मैंने ट्रेड किया गोल्ड वर्सेज यूएसडी और मेरे को इतना प्रॉफिट आ गया है वो सारी बातें मैं माइंड सीरीज में बताने वाला हूं आप देखिए विचार भावनाएं संकल्प लॉ ऑफ अट्रैक्शन विजुअलाइजेशन आपको मैं बताऊंगा कि कैसे विजुअलाइजेशन के थ्रू आप जल्दी से वो रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं सोल एक्सपीरियंस क्या है कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड पर्पस गोल सर्व मैं आपको क्या बताऊं दिस इज अ वेरी ह्यूज फील्ड मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा जरूर रहेगा आपकी लाइफ में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं वो कहते हैं ना कि एक सागर के में सागर में बड़ी सारी मछलियां रात को बेचारी वो वेव के थ्रू बाहर आ गई और तड़प रही हैं है ना इतनी सारी मछलियां हैं जो तड़पती आ रही हैं और आप सुबह मॉर्निंग वॉक लिए गए आपने देखा हजारों तरह की मछलियां बाहर आई हुई हैं बेचारी और वो तड़प रही मरने है वाली हैं तो आपने क्या किया एक मछली को उठाया और पानी में डाला एक मछली को उठाया और पानी में डाला बाकी सब भी आए थे आप वो पूछ रहे थे तू बेवकूफ है कितनी मछलियों को डालेगा तो आपका पता क्या आंसर था कि मुझे मालूम है कि मैं सबको नहीं पानी में डाल सकता लेकिन एटलीस्ट दो तीन पांच को डालूंगा उसकी जान तो बच जाएगी यार मुझे यह मालूम है कि शायद आपको मेरी भावनाएं मेरी बातें शायद उस लेवल पे समझ ना आए मुझे भी समझ नहीं आई थी यार इतना टाइम लग गया मुझे समझने में मुझे आज लगता है कि ये सभी चीजें मुझे अगर पहले पता होती तो ना इतनी मेहनत करता तो हूँ सब काम बढ़िया हो जाता अभी भी हो रहा है लेकिन वो पहले हो जाता फास्ट फॉरवर्ड हो जाता तो दोस्तों माइंड सीरीज में वी हैव टू टाइप्स ऑफ सीरीज एक तो बेसिक बनाया है टू जेड मैं ये कहूंगा आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा और इसमें मेडिटेशन करेंगे इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं ब्रीदिंग के बेनिफिट्स क्या हैं आप कैसे अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं आप कैसे थॉट्स को ले सकते हैं आपको क्या सोचना है आपको कैसे वाइब्रेशंस को क्रिएट करना है आपको कैसे उस फ्रीक्वेंसी में रहना है टू जेड सब हम डिस्कस करने वाले हैं फिर मैं आ गया दोस्तों जैसे मैंने कहा सेकंड एम जो मैंने बताया आपको देर आर थ्री एम्स पहला है माइंड आपको पहले माइंड को क्लियर करना है नो कंप्लेंट्स ओनली हम्बलनेस ओनली ग्रेटिट्यूड ओनली थैंक यू

नो no डाउट हम सबको पैसों की रिक्वायरमेंट है वी नीड मनी एंड मनी के बिना कुछ हो नहीं सकता उसके लिए आप क्वालिफिकेशन के कोर्सेज करते हो लेकिन मैं आज एक बात और बता रहा हूं अपने मन की मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास बड़ी सारी क्वालिफिकेशन होंगी ना तभी मैं अमीर बन सकता हूँ तभी मेरे पास पैसा आएगा ये बिलीफ सिस्टम दूसरा मैंने बना लिया था कहते हैं जो हम सोच जो बार बार करते हैं ना वो हैबिट्स बन जाते हैं वो पैटर्न्स बन जाते हैं आप नहीं चाहोगे ना तब भी वैसे ही आप रिएक्ट करना स्टार्ट कर दोगे आप सोचना इंट्रोस्पेक्ट करना एक बार बैठकर अपनी अपनी लाइफ को कि क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रिगर करता है उन्हीं सिचुएशंस में और वही होना स्टार्ट आप वैसे ही रिएक्ट करते हो तो मैंने ये बिलीफ सिस्टम मुझे ऐसा लगा बचपन में क्योंकि पैसे कम थे पेरेंट्स के पास भी पैसे कम थे सी थी कि भाई बड़ी सारी क्वालिफिकेशन होंगी तभी मैं अमीर बनूंगा तो उसी वजह से उस बिलीफ सिस्टम से मैंने सी ए किया सी एस किया एसी किया ये किया और अभी भी करता जा रहा हूं लेकिन आज मैं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी कंपल्सरी नहीं है कि आपके बड़ी सारी क्वालिफिकेशंस होंगी देन ओनली यू कैन बिकम रिच बेटे इतिहास गवाए हिस्ट्री गवाह है डिफरेंट पीपल्स आर देयर मिलियनेयर बिलियन बट दे क्वालिफिकेशंस धीरू भाई अंबानी की बात करें बिल गेट्स की बात करें सचिन तेंदुलकर की बात करें वॉरेन बोफे की बात करें मैं तो ये कहता हूं कि ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो देर आर ह्यूज नंबर ऑफ हैव हुआ क्वालिफिकेशन बट दे द स्किल्स एंड आफ्टर कोविड वर्सेस यूक्रेन आफ्टर इजराइल वॉर अगर आप देखें तो बेटा लाइफ बड़ी छोटी सी टाइम स्पेंड छोटा सा है अगर आप क्वालिफिकेशन नहीं करना चाहते कर रहे हैं तो बेस्ट है एसीसीए कर रहे हैं बिकॉज आई बिलोंग टू कॉमर्स आई बिलोंग टू फाइनेंस इंडस्ट्री सो सो जनरली आई 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 डिलीवर दीज टाइप्स ऑफ लेक्चर्स दीज टाइप्स ऑफ कोर्सेज बट द पॉइंट इज दिस वीडियो इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर दिस इज नॉट फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड दिस इज फॉर बोथ कॉमर्स एज वेल एज फॉर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड की आप कहीं भी किसी भी फील्ड में एटीन ईयर्स के बाद आप अमीर बनना चाहते हैं सक्सेसफुल होना चाहते हैं क्योंकि जनरली आजकल ना सक्सेस की डेफिनेशन पैसे के साथ काउंट हो रही है जबकि ऐसा नहीं है वो माइंड के आपको बेसिक और एडवांस कोर्स में बताऊंगा कि क्या होना चाहिए बट द पॉइंट इज अगर अभी अभी की बात करें तो पैसा आप कैसे लेके आ सकते हैं एक बार सुनिए कैटरीना क्या कैटरीना क्या चीज़ है, चीज़ आई थिंक पैसे की कहानी और ये गाना आपने सुना हुआ है और ये आपको सब मालूम है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं मैं इस समय दोबारा से अपनी उस स्लाइड पे आ चुका हूं जो मैं आपसे कुछ अपनों से अपनी सी बात करने वाला हूं बेटे इंडिया का ये जो ईयर चल रहा है 2023 का एंड है बस 2024 स्टार्ट होने वाला है आने वाले 25 इयर्स इंडिया के लिए ग्रोइंग इयर्स है इंडिया टॉप लेवल पे आ जाएगा इंडिया विल बी द तो सुपर पावर ये आप सब देख रहे हैं समझ रहे हैं कहते है बलवान के है है चिकने पात जिसको आगे फ्लरिश होना होता उसको पहले पता चल जाता जी ट्वेंटी की लीडरशिप और आप देख रहे हैं हमारा इंडिया लाइम लाइट में जिस तरह से आ रहा है चंद्रायन थ्री बेटे जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ पॉपुलेशन डेमोग्राफिक प्रोफाइल सभी बढ़ रहा है एंड इंडिया विल बी द इन्वेस्टमेंट हब तो आप अब अगर स्किल्स के थ्रू कैपेबल हो जाते हैं उसका बेनिफिट लेने के लिए तो आप ये समझ लीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट संगम है आप भी जवान है इंडिया भी जवान है दोनों जवान है तो ए प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी तो उस जवानी के लिए आपको कैसे बेनिफिट के लिए वेदर यू आर डूइंग बी टेक वेदर यू आर फ्रॉम यू नो आई एम वेदर यू आर डूइंग एस एस सी वेदर यू आर नॉन कॉमस वेदर यू आर साइंस बैकग्राउंड कॉमस बैकग्राउंड आर्ट्स बैकग्राउंड ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड आप बिजनेसमैन है जॉब कर रहे हैं क्या को, कोई मैटर ही नहीं करता आप सबको पैसे कमाने हैं ना तो इफ यू आर अ नॉन कॉमर्स इट मीन इफ यू हैव नॉट डन अकाउंट्स और अगर आपको फाइनेंस के बारे में नहीं पता क्योंकि अगर आप स्किल्स को हासिल करना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए तो थोड़ा सा बेसिक चीजें पता होनी चाहिए तो मैंने क्या किया एक ए बी सी डी ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस का एक छोटा सा फंडामेंटल फाउंडेशन सीरीज बनाया

और पैसा आप जो कर रहे हैं दैट इज ओके बट यू कैन हैव अ सेकेंडरी इनकम फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज अगर आप स्किल्स गेन कर लेते हो तो स्किल्स के लिए मैंने कहा ना कि इट इज़ नॉट कि आपके पास क्वालिफिकेशन होगी तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं तभी पैसा कमा सकते हैं आजकल का जमाना बदल गया है मेरी अपना बिलीफ सिस्टम बेकार सा था आजकल मैं मेडिटेशन के थ्रू दोबारा से उन पैटर्न्स को तोड़ रहा हूं और नए पैटर्न्स को ग्रैप कर रहा हूं तो स्किल्स में आप फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा प्यारा सा एक कोर्स हम बना रहे हैं आप वो कर सकते हैं उसमें हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात बताएंगे आप कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं करेंसी पेयर्स क्या होते हैं डॉलर्स कैसे हैं यूएसडी क्या है एंड हाउ वी कैन ट्रेड इन गोल्ड वर्सेस यूएसडी व्हाट आर द करेंसी पेयर्स व्हाट आर द ट्रेडिंग जोन वट इज स्पॉट रेट वट इज फॉरवर्ड रेट डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ट्रेडिंग व्यू से पूरा का पूरा इसके हमने तीन कोर्सेज अलग से प्रिपेयर किए हैं बेटे फॉरेक्स में जो बन रहे हैं बेसिक फंडामेंटल एंड टेक्निकल सिमिलरली अगर आप ये जस्ट फॉरेक्स की आप यू नो स्किल गेन कर लेते हैं तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं अमीर बन सकते हैं प्लस माइंड देखिए माइंड तो एक एक बैकग्राउंड में चलते ही रहना चाहिए उसके बिना कुछ होगा ही नहीं मुझे तो ये समझ आ चुकी है तभी मैंने इस कोर्स का नाम रखा एम प्लस एम प्लस एम तो फॉरेक्स का आप स्किल्स गैदर कर सकते हैं अब नाउ वाई फॉरेक्स इज बेटर देन स्टॉक वो हम सेमिनार्स में वो मैं सीरीज में बताऊंगा सेकंड इज स्टॉक सीरीज स्टॉक मार्केट में वी हैव वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम एनआईएसएम सेबी ने एनआईएसएम के बड़े सारे छोटे 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 कोर्सेज निकाले हुए हैं तो स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले मैं आपको पंद्रह सौ वाले दो वाले कोर्सेज बताऊंगा वो करने चाहिए आपको

मैंने सत्ताईस साल में मैंने सब सीखा सब पढ़ा सब पढ़ाया तो मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अच्छा बता सकता हूँ क्योंकि मैंने लास्ट तीन चार साल में जो स्टडी किया माइंड के ऊपर वो प्लस ये एक 555 डाबर पांच मुगली पचपन सोना चांदी चवन प्राश जैसा इफेक्ट लेकर आएगा अच्छा अगर आपका यू नो माय द पॉइंट इज कि वेदर यू आर फ्रॉम एनी बैकग्राउंड आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है आपको फॉरेक्स में इन्वेस्ट करना है आपको फॉरेक्स की ट्रेडिंग करनी है अब ये बात आ रही है सॉफ्ट स्किल्स की देखिए मैंने ऐसा अपने लास्ट ट्वेंटी देखा कि स्टूडेंट की क्वालिफिकेशन तो आ जाती है उसके पास यूएसए कर लिया सी ए कर लिया सी एस कर लिया सी एम ए कर लिया जो भी किया कर लिया क्वालिफिकेशन ले ली बट ही जॉब तो व्हाट आर अदर थिंग्स विच आर नेसेसरी बेटे उसका नाम है सॉफ्ट स्किल्स मतलब, ोगे कैसे, कैसे आप बोलोगे आपकी ईमेल कंपोजिंग कैसे होनी चाहिए आप कैनवा में अडोबे में किस तरह से पीपीटी करोगे एक्सेल के एडवांस फॉर्मुलेस क्या होने चाहिए बेटे अगर इतना भी कर लिया मैं तो कहता हूँ फॉरक्स नहीं भी करना चाहते हैं कोई बात नहीं

कुछ नॉलेज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको जॉब चाहिए दैट इज यूट्यूब में अपलोडिंग कैसे होती है है ना यूट्यूब की मार्केटिंग कैसे होती है अच्छा लिंकड की प्रोफाइल कैसे प्रिपेयर करते हैं टेलीग्राम से क्या आप यूज कर सकते हो इंस्टाग्राम क्या होता है अपनी रील्स कैसे बनाते हो कैसे प्रमोट करते हो बिकॉज जहां पर भी आप वर्क करोगे ये तो अब बेसिक हो चुका है तो हमने एक स्किल सीरीज निकाली है जो हम अभी स्टार्ट कर चुके हैं मैं तो हुई लीड इंस्ट्रक्टर अलोंग विद दैट मैंने वी हैव अ ग्रुप ऑफ टीम ऑफ यू नो एक्सपर्ट्स तो वो आपको बताएंगे मैं भी बताऊंगा फॉरेक्स मैनेजमेंट मैं बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट मैं बताने वाला हूँ सॉफ्ट स्किल्स में एक दो तो चीज़ें मैं बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग में एक दो तो चीजें मैं बताऊंगा बिकॉज आई हैव यूज दैट बाकी हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे अच्छा इसके साथ साथ अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हैं बिकॉज आई आई एम फ्रॉम यूरो कॉमर्स बैकग्राउंड आई एम फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड तो मैं ये कहूंगा कि क्वालिफिकेशंस भी ले सकते हैं एंड क्वालिफिकेशंस में अगर आपका यू नो इफ यू हैव ए इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट अकाउंटेंसी इफ यू हैव ए इंटरेस्ट इन यू नो इन फाइनेंस इफ यू हैवे इंटरेस्ट इन अकाउंट्स ऑडिटिंग टैक्स अगर आपका इंटरेस्ट लॉ में है तो मैंने क्वालिफिकेशन को चार कैटेगरीज में डिवाइड किया है इस दुनिया के क्या क्या कोर्सेज हैं इंडिया के क्या क्या कोर्सेज हैं अमेरिका के क्या वो सब मैं बताऊंगा तो मैं आपके सामने ला, लास्ट का एक दो बातें बतानी है आप चलिए एक छोटा सा एक छोटा सा वीडियो दोबारा से देख लेते हैं कि आपको शाहरुख खान क्या कहना चाह रहा है ना शाहरुख खान क्या कहर एक... देखिए ये मूवी का नाम है ओम शांति ओम और आप सबने ये मूवी देखी हुई है है ना मैं ये चाहता हूं कि आप ए, इसमें ए, ए, एक एक डायलॉग है जो शाहरुख खान कुछ कहना चाह रहे हैं अब शाहरुख खान ने ना ऑफ विजुलाइजेशन यूज किया शाहरुख खान ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया, विराट कोहली ने लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन यूज़ किया नरेंद्र मोदी थोड़े से बताऊंगा लेकिन कोशिश की मैंने इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है आपने उस स्किल को उस क्वालिफिकेशन को इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की है इतनी शिद्दत से सुनना ध्यान से सुनना दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैं मैं इसको पाँच हजार बार सुन चुका हूँ इस डायलॉग को वो जब सुनता हूँ तो मेरी इमोशंस मेरे मैं क्या बताऊ क्या फीलिंग आती है मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है पाने की कोशिश की स्किल क्वालिफिकेशन कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिला हर जर्रे ने, ने की साजिश की है कहते हैं अब सुनना ध्यान से कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो अगर किसी चीज को दिल से चाहो स्किल को या क्वालिफिकेशन को और पैसे को और तो फिर क्या करना है तो पूरी कायनात अब दिल से चाहो का मतलब क्या है आप माइंड यूज कर रहे हो इट इज अ माइंड सीरीज यू नो अल्टीमेटली आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप जो चाहते हो आपका जो ड्रीम है आपका जो सपना है अब उसको दिल से चाहने का मतलब मैं बताऊंगा कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड की टेक्निक से आप उसको दिल से चाहोगे और साथ साथ मेहनत करोगे हार्डवर्क तो इंपॉर्टेंट है ही तो फिर आपको वो काय से मिलाने की कोशिश में लग जाती है आज आप सबने बेटे कुछ भी मुश्किल नहीं है आप सब कुछ अचीव कर सकते हो ऐसा जरूरी नहीं है कि क्वालिफिकेशंस के बाद ही आप अमीर बन सकते हो विदाउट दैट स्किल्स भी अगर आपने ले लिए अब अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो दोस्तों ये कोर्स मैंने एबीसीडी फाउंडेशन सीरीज फंडामेंटल सीरीज यून मिक्सर आईन मिक्सचर ऑफ अकाउंट इकोनॉमिक्स बिजनेस इट विल भी जस्ट लाइक यू नो मुगली घुट्टी पांच सौ पचपन ही लाना दैट इज बदाम जैसे काम करेगा क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज तो चाहिए ना इफ इफ यू आर गोइंग फॉर स्टॉक मार्केट इफ यू आर गोइंग फॉर फाइनेंस फॉरक्स मार्केट और एनी स्किल्स यू नो आपको कुछ बेसिकली पता होना चाहिए तो उसके लिए हमने ये बेसिक बनाया है इसके बाद में आ गया जी स्किल स्किल की बात अगर हम करें जो तो एज कि स्किल्स में एक तो आपके पास फॉरेक्स की स्किल्स फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सॉफ्ट स्किल्स और डिजिटल मार्केटिंग बेटा आजकल का जमाना इसी का है आप बड़ी से बड़ी क्वालिफिकेशन ले लो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अमीर नहीं बन सकते मतलब उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा जैसे मुझे लगा बट मैं चाहता हूँ लाइफ छोटी सी है फास्ट फॉरवर्ड करो तो आपको याद हो ट्रेडिंग सीखनी है या स्टॉक ट्रेडिंग सीखनी है फॉरेक्स ट्रेडिंग के वी हैव डिफरेंट सीरीज वो हम आप, ए, आप वीडियोस अपलोड करेंगे आपको बताएंगे ए टू जेड सब कुछ फिर स्टॉक ट्रेडिंग में एन लिखा मैंने है ना एन आई एस एम की सीरीज़ हम करेंगे अलग अलग उसके 12, 15, 20 कोर्सेज़ हैं मैंने काफ़ी सारे किए आपको दिखाऊंगा अगर आपको इंटरनेशनल कोर्स करना है एन आई इसमें स्टॉक मार्केट में तो सी एफ पी एस सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर यू कैन हैव यू नो यू कैन यू कैन प्लान द फाइनेंस ऑफ डिफरेंट पीपल टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं वेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं इंश्योरेंस का वर्क कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का कर सकते हैं तो आपको कुछ भी करना है तो दोस्तों इन तीनों में से एक चीज़ हम बताएंगे वैसे तो हम तीनों ही बताएंगे आप एक ही चूज़ करना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है थर्ड इज सॉफ्ट स्किल्स एज है एग्जाम्पल्स लास्ट ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ईयर में देखू तो स्टूडेंट्स के वो क्वालिफिकेशन नहीं हुई बट दे आर वेरी मच गुड इन एक्सएल उनके पास एडवांस फॉर्मुलस का बड़ा अच्छा हैंड था तो बेटे बिग फोर में वर्क कर रहे हैं तो एमएस एक्सेल टाइम मैनेजमेंट क्योंकि आजकल हम मैक्सिमम टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं मोबाइल फोन में कैसे एनर्जी डाउन ड्रो आपकी फिनिश uh, uh, हो जाती है आपको खुद ही नहीं पता चलता और पूरी दुनिया एनर्जी की है बेटे हम सब एनर्जी से बने वी आर इन एनर्जी जोन जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगी वो ज्यादा कामयाब रहेगा तो एनर्जी को कैसे सेव करें टाइम को कैसे मैनेज करें तो मैं तो कहूंगा टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा बेटर वर्ड मैंने वैसे बोला था इट इज एनर्जी मैनेजमेंट हाउ वी कैन यू नो सेव आवर एनर्जी एंड हाउ वी कैन यूज द एनर्जी मेरे पास अगर एनर्जी होगी तभी मैं फ्लो कर सकता हूं आप में आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आई थिंक आपको फ्लो हो रही है मेरी एनर्जी मैं आपके आपको लाइक बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक तो एनर्जी मैनेजमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स में देखिए लिंक्डइन की प्रोफाइल है रिज्यूम बिल्डिंग है आ, एंड दिस इंटरव्यू प्रिपरेशन है ई मेल कंपोजिंग है कैनवा डोबे बातें मुझे ऐसा लगता है कुछ हद तक आपको पता होनी चाहिए अलॉन्ग विद योर क्वालिफिकेशन तो ये जो क्वालिफिकेशन कर रहे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल्स बट अगर आप खाली स्किल्स में आ रहे हैं तो यू कैन इधर गो फॉर फॉर एक्स ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग बट डिजिटल मार्केटिंग इज़ मोर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर बोथ यू नो खाली स्किल्स और क्वालिफिकेशन के साथ थोड़ा आराम सा 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 से हो जाता है कुछ मुश्किल है, आप सोच रहे है, ये भी कर रहा हूं मैंने, मैंने क्या क्या नहीं सीखा सब कुछ मैं आप कर लेता हूं वीडियो एडिटिंग तक कर लेता हूं तो बात ये नहीं है वट एवर हु वॉन्ट्स टू सिंग सॉन्ग कैन फाइंड अ सॉन्ग सीधी सी बात इंटेंशन इंपॉर्टेंट है बहाने तो बड़े सारे हैं दोस्तों एक चीज को ना करने के और बहुत सारे इन नेगेटिव्स uh, में भी एक चीज को करने का भी एक एक रीजन होता है तो बी अनिजनेबल मैं आपको लाइफ का कंसेप्ट बता रहा हूं कि अगर आपको सच में सक्सेस चाहिए तो खाली क्वालिफिकेशन से भी कुछ नहीं होने वाला आप क्वालिफिकेशन नहीं करते तब भी कुछ हो सकता है खाली स्किल्स है कर लेते हैं बट अलॉन्ग विद कहते हैं ना वो फेयर एंड लवली थोड़ा सा जैसे आप शाही पनीर खाते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम धनिया स्प्रिंकल कर दें हल्का सा अदरक स्प्रिंकल कर दें तो उसकी प्रेजेंटेशन बढ़ जाती है डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्ट स्किल्स बस वही है दाल मखनी के ऊपर थोड़ी सी क्रीम डाल दी तो दैट इज दैट इज अट्रैक्टिव यू नो एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है वहां पर अच्छा अगर आप स्किल्स के साथ साथ मैंने आपको बताया कि इफ यू आर गोइंग फॉर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस <laughs> तो आया कि यारे लाइफ का पर्पज क्या खाली रिकॉर्ड करके बेचना ही है तो मैंने इंट्रोस्पेक्शन करना स्टार्ट किया बड़े सारे एस एव जस्ट शेयर जर्नी स्पेसिफिकली आफ्टर कोविड मैंने बड़े सारे बाइन के आश्रम गुरु सब देखा गया काफी कुछ सीखा और फिर एनालाइज किया इंट्रोस्पेक्ट करके कि भाई ये ये बातें इंपॉर्टेंट है लाइफ में अपने अपनी लाइफ स्टडी में अपनी केस स्टडी में अप्लाई किया तो अगर आप क्वालिफिकेशन में जाना चाहते हैं एंड इफ यू आर गुड इन मैनेजमेंट अकाउंटेंस इफ यू वांट टू गो फर मैनेजमेंट अकाउंटेंस बिकॉज ये आपको सोचना है वी हैव इंटरव्यू कॉल्स ऑल्सो तो अगर आपको और ज़्यादा आप समझ नहीं पा रहे तो क्वालिफिकेशन में कौन सा करना है तो आप मेरे साथ इंटरव्यू फिक्स कर सकते हैं मैं उसमें आपकी गाइडेंस दूंगा आपको बताऊंगा वी हैव अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स ऑल्सो हु विल गाइड कि भाई आपको यूपीएससी करना चाहिए आपको आई में नहीं मिला तो कहाँ बिट्स पिलाने जाना चाहिए मेरा अपना बेटा मणिपाल में है इट मीन्स आपको वी विल हेल्प आवर लेवल बेस्ट एंड स्पेसिफिकली बिकॉज वी आर मोर इन यू नो कॉमर्स एंड फाइनेंस फील्ड आई 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 एम 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 बिकॉज़ फाइनेंस तो मैंने फाइनेंस को अकाउंट्स को इन चार पार्ट्स में डिवाइड किया फर्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटेंसी अब मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में इंडिया में अमेरिका में और यूरोप में मैंने इन तीनों के झंडे लगा दिया भाई साहब देखिए सीएम में करना तो यूएसए से कर सकते हैं सीएम में इंडिया से भी कर सकते हैं डू सीएम एम लंडन

काम हो जाएगा एक ही कोर्स करना है मुझे बताया नहीं था किसी ने मेरे पास दूसरा बिलीफ सिस्टम था मैंने सब करना स्टार्ट कर दिया इसीलिए मैंने माइंड मनी मैनेजमेंट एम क्यूब का कंसेप्ट लेकर आया कि लाइफ में सक्सेस के लिए हार्ड वर्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप अगर मन से जो सोचते हो इनसाइड से आउटसाइड है आउटसाइड से इनसाइड नहीं है एक बच्चा कहता क्या मतलब वो इनसाइड से आउटसाइड आप जो मन में सोच रहे हो आपके मन में जो बिलीफ है आपके मन में जो विचार है आपके मन में जो फ्रीक्वेंसी है आपके मन में जो भावनाएं जो इमोशंस है ही बाहर प्रकट होगा इसका मतलब यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग बिलीव इन दैट ठीक है जी और इफ इफ यू वांट टू गो ओवर लॉ यू नो मैंने कॉम्पेनसेटरी का कोर्स भी किया है लॉ में जनरली सीएस के साथ साथ बच्चे फिर उसके बाद एल एल बी और एल एल एम करते हैं बिकॉज एक बेस्ट कॉम्बिनेशन माना गया लेकिन पॉइंट यह आता है कि विच क्वालिफिकेशन विच कोर्स विच इज योर हॉबी विच इज योर नीड तो उसके लिए आप हमारे टीम, टीम मेंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ कॉनेक्ट कर सकते हैं मैं काफी तरह से आपको हेल्प करूंगा कि वट टू डू अलांग विम वट टू डू अलांग विंग विथ योर आई आई टी बिकॉज अगर आप यू you नो know, अगर आप

यही मेरा लाइफ पर्पस है इसमें काफी सारे टीम ऑफ एक्सपोर्ट्स इन्वॉल्व होंगे मेरी वाइफ रजनी वो भी इन्वॉल्व होगी काफी सारे लोगों को हमने लाइक like माइंडेड को इन्वॉल्व किया है इसमें एंड इट विल बी अ वेरी ग्रेटफुल जर्नी एंड आई एम थैंक यू फॉर यू कि आपने इतना टाइम लगाया एटलीस्ट मेरा वीडियो देखा और मेरी बातों को समझने की कोशिश की कि मेरी इंटेंशन क्या है मैं आने वाले दिनों में क्या करना चाहता हूँ और दोस्तों ये हमारे अलग अलग सोशल मीडिया एप्स लिंक्स हैं एंड इन केस यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट अस आप कर सकते हैं यूट्यूब में जा सकते हैं लिंकड में यूट्यूब में इंस्टाग्राम में दीज आर माई नंबर्स बट इससे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब का कुछ दिखाना चाहता हूँ कि मेरे को कमेंट्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों आप देखिए ये कमेंट्स आ रहे हैं वी हैव थ्री चैनल्स एंड वी आर गेटिंग रेगुलरली टेन कमेंट्स टेन टू फिफ्टीन कमेंट्स इन वन चैनल तो तीन चैनल हुए तो तीस चैनल तीस कमेंट्स तो रोज आते हैं

स्टिल आप कोई भी ओ, कुछ भी कर सकते हैं वो क्या कह रहा हैं इन दिस सर राइटिंग इज रिवर्स काइंड ऑफ स्किल इज दिस द पॉइंट इज आप देखेंगे तो 99.99 .99 सब ने कुछ ना कुछ अप्रिशिएट किया है और देखिए मैं ये लिस्ट को कंप्लीट आपको देख रहा हूं आप देखिए हैव लुक ऑन दिस किस तरह से तो स्क्रॉल करता जा रहा हूं ह्यूज थर्टी कंट्रीज से रिस्पॉन्स आ रहे बट मुझे लगा कि यार खाली क्वालिफिकेशन से बच्चों को जॉब भी नहीं मिल रही सक्सेसफुल भी नहीं बन रहे मनी कैसे कमाए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो बताना चाहिए जो मैंने सीखा दैट इज माइंड मनी एंड मैनेजमेंट ठीक है सर तो लास्ट एक गाना मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं जो उसके बाद फिर कुछ और भी बताऊंगा अब देखिए गाना क्या कह रहा है में ये उर्दू का एक पोइट है उन्होंने कहा खुदी को कर बुलंद इतना आप गरीब पैदा हुए थे आप अगर गरीबी मर जाते हैं तो ये पाप है आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात के गरीब पैदा होना आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है बहुत बड़ी बात क्या गया खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है पहले खुदा पूछे तेरी रजा क्या है क्या यार कितनी बढ़िया बात है मैं लास्ट एक छोटी सी दिस इज एनर्जी फील्ड वी आर ऑल मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड अदर सो माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस जस्ट टू कंक्लूड सो माइंड मनी एंड मैनेजमेंट का कंसेप्ट हम लेकर आए एम क्यूब किया हमने एंड एम क्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस एंड इट इज फॉर एनी एज एनी हिस्ट्री एनी स्ट्रीम एनी स्कूल एनी कॉलेज एनी क्वालिफिकेशन एनी रिलीजन एनी कंट्री और हमने बड़े ब्यूटीफुल इधर छोटे छोटे कोर्सेज उसकी सीरीज बनाई है ना जैसे मैंने कहा फॉरेक्स की सीरीज है तो उसको हमने ब्रेक किया तीन पार्ट में बेसिक फंडामेंटल टेक्निकल फिर स्टॉक की बेसिक बेसिक फंडामेंटल टेक्निकल एक्सेल फाइनेंशियल मॉडलिंग डिफरेंट डिफरेंट सीरीज प्रिपेयर किए हैं और पूरी इंटेंशन से मन से जैसे मैं भी एनर्जेटिक होकर आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। आने वाले लेक्चर्स में मैं पूरा गाइड करूंगा पूरा सपोर्ट करूंगा इन्हीं बातों के साथ बी हैप्पी बी जॉली बी चेयरफुल